pointing now. Here is Muhammad Hassan. And we are moving forward to explore Zinda Pir. Or ये बहुत ही अच्छी place है, जो मैं कहता हूँ कि जो भी लोग फोर्ट मनरू जाते हैं उन्हें यहाँ आना उनके लिए सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं। ये ऐसी जगह है जहाँ कभी धूप कभी बारिश और कभी बहुत ही सुहाना मौसम हो जाता है, और अभी जो है फुल तेज़ धूप निकली हुई है और राइट नाउ जो टाइम है वो 4:30 हो रहे हैं, और स्टिल हमें वो मिल नहीं रही जगह जिसके लिए हम डीजी खान से यहाँ तक निकले हैं, और इंशाल्लाह वी विल फाइंड दैट प्लेस। बट स्टिल यू है अभी भी जो है एक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें नज़र आने को मिल रही हैं जो हमने लाइफ में कभी सोचा ही नहीं था। और ये गर्म पानी के चश्मे हैं जिसकी वजह से ये जगह बहुत मशहूर है, और ये वो वहद प्लेस है लोगों के लिए, पानी जो है लोग यहाँ से लेकर जाते हैं अपने घरों के लिए। बाकी यहाँ पानी की बहुत कमी है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे आपको ग्रीनरी बहुत कम नज़र आ रही है, और स्टिल जो है हमें तो चल चल के हम थक गए हैं, और धूप भी बहुत तेज़ लग रही है हमें। इस जगह में अगर आप प्लान बना रहे हो कि जिंदा पीर भी हमने देखना है, तो यहाँ आने के लिए आपको बाइक पर आना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसी जगह है 1.5 किलोमीटर का जो पैच है वो टूटा हुआ है, तो उसके लिए जो है ना गाड़ी नहीं जा सकती क्योंकि स्टिल वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बाइक पर यहाँ आएँ। तो जिंदा पीर जो ये जगह है, यहाँ पे खाने पीने की अशिया की किल्लत है क्योंकि ये ज़्यादा डेवलप प्लेस नहीं है, तो दिस इज़ सो मच एडवेंचरस प्लेस। और ये आप देख रहे हैं पत्थर के घर बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे और कोई ऐसा मटेरियल नहीं है जिसे घर बनाया जा सके। यहाँ पे लोग रहते भी हैं, क्योंकि इसलिए इस वजह से यहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं क्योंकि पानी का चश्मा यहाँ करीब है, इस वजह से क्योंकि ये एक ऐसा पहाड़ी इलाका है, ये पूरा कोहे सुलेमान का जो है ना वो सिलसिला है, यहाँ पे पानी की बहुत किल्लत है, यहाँ पे ग्रीनरी नहीं है, तो इस वजह से यहाँ लोग रहते हैं। यहाँ पे लोगों ने अपने छोटे छोटे ढाबे बनाए हुए हैं, छोटी दुकानें हैं उनके पास, स्मॉल सेटअप है, और कुछ चंद ही झंडा है तो पहाड़ थे। अच्छा ठीक है ठीक है वाला जाहिर नहीं था। अच्छा इतना बरकार अच्छा सिर्फ कुरान चलाते हैं जी। अच्छा मतलब ये कदन दा वाकया है, ये साइन पाकिस्तान बाल बड़े पहल है, ये बहुत पहले दा वाकया है जी। इन्हें दरअसल असल नाम क्या है जिंदा पीर? असल नाम जिंदे पीर हयात हयात। अच्छा जिंदा हयात जिंदा हयात ठीक है जी। वो जिंदा अच्छा वो जींदे हैं हूँ भी जींदे हैं वो जींदा। अच्छा अच्छा अंकल ये दसो तुसा के ए माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह है, ये गरम पानी दी चश्मे दी वजह को बहुत मशहूर है जी। अच्छा ता ई ई दरबार ते बणण को पहले सब को पानी दी जरूरत करनी पंदी है? हां पहला जरूरत। अच्छा अच्छा ये पानी दी मतलब उने जरा उना माशाल्लाह मौजजा है, बीमारी दा शफा है, एलर्जी दा शफा है, इलाज करे कने लोग ला इलाज थी इठा हो अंदर। अच्छा अच्छा जी ठीक है ठीक ठाक थी इधर ठीक। अंकल जी तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद उमर।
ਮੁਹੰਮਦ ਉਮਰ ਅੱਛਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਏ ਅੱਛਾ ਫੁੱਲ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨਾ ਪਉਂਦੇ ਅੱਛਾ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਧਾਮਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇੱਥੋਂ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਕਤਰਤ ਮੱਠਣ ਇੱਥਾਂ ਹੀ ਖੂਹੀ ਤੇ ਜਾਹ ਕਾਇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਰ ਇਤਨਾ ਮਖਲੂਕਾਤ ਹੁੰਦੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਖਲੂਕਾਤ ਮੱਠਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਾਂ ਉਹ ਹਾਂ ਸਹੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਟੱਪ ਗਏ ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਤਰਾ ਟੋਲੇ ਫੁੱਲ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਹੈ ਫੁੱਲ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਯਹਾਂ ਪੇ ਜੋ ਲੋਕ ਹੈ ਵੋ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਆਤੇ ਹੈ ਜਿਸਕੋ ਅਲਰਜੀ ਹੋ ਅਲਰਜੀ ਕਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਇਸੀ ਪਾਣੀ ਸੇ ਹੋਤਾ ਹੈ ਔਰ ਯੇ ਫੁੱਲ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਯੇ ਪਹਾੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੇ ਆ ਰਹਾ ਹੈ ਔਰ ਯੇ ਐਸਨ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਕੋ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਨਕਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਯਹਾਂ ਕਾ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪੀਰ ਸੇ ਹਮ ਜੋ ਹੈ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਹਮੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਹਮਨੇ ਵਾਪਸ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਹੈ ਵਾਪਸੀ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਬ ਹਮ ਆਉਣੇ ਲੱਗੇ ਹੈ ਤੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਇਤਨਾ ਵੋ ਨਹੀਂ ਥਾ ਦੁਪਹਿਰ ਕਾ ਟਾਈਮ ਥਾ ਅਬ ਹਮ ਵਾਪਸ ਜਾਏਂਗੇ ਤੋ ਰਾਤ ਵੀ ਹੋਣੇ ਲੱਗੀ ਹੈ तो हम जितना भी टाइम से जाने की ट्राई करेंगे लेकिन रास्ता बड़ा मुश्किल है और हमें दुश्वारी आ सकती है इस पर तो अभी जहां हमने अपनी बाइक खड़ी की है तो उस बाइक तक पहुंचने तक भी हमें 30 मिनट के लिए पैदल वॉक करना पड़ेगा और हम खैर वाफिया से घर वापस चले जाएं ज़िंदा पीर जो जगह है ये तकरीबन 200 से 300 साल पुरानी जगह है ये एक ऐसे बंदे के नाम से मशहूर है जिसका असल नाम जो था वो हयात था हयात ज़िंदा और हयात एक उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है ज़िंदा तो उसी हवाले से क्योंकि यहाँ के लोगों की जो ज़ुबान है वो सरेकी ज़ुबान है या वो बलोची ज़ुबान बोलते हैं जिसकी वजह से वो उनके लिए जो हयात नाम है उनके लिए जो हयात नाम है वो लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है जिस वजह से उन्होंने इस जगह का नाम जो है वो ज़िंदा पीर के नाम से बहुत मशहूर कर दिया है चुनाचा जितना ज़िंदा पीर इस दरबार में इस दरबार में बेसिकली वो उनका मज़ार नहीं है उनकी कब्र मुबारक नहीं है और जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया है वो सिर्फ उनकी एक बैठने की जगह थी जहां वो रहते थे और वहां सिर्फ कुरान मजीद पढ़े हुए हैं और वो वहां है नहीं बेसिकली और लोग कहते हैं कि वो अभी तक भी हयात हैं और ये जो गर्म पानी का चश्मा है ये सिर्फ उन्हीं की वजह से हुआ था क्योंकि उन्होंने जिस जगह पर बैठ के चिल्ला काटा था और उस वही जगह जो है ना उसके ऊपर उन्होंने मज़ार बनाया हुआ है चुनाचे महकमा औकाफ जो है वो यहाँ काम नहीं कर रही तो हमारे पाकिस्तान का जो महकमा है जो ठेके पे होते हैं दरबारें वगैरह उनका उनके ठेका उनके पास होता है वो ये डेवलप नहीं कर रहे तो टूरिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो जगह है वो बहुत ही अच्छी जगह है
बहुत ही कमाल की जगह है टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ जिंदा पीर में एक मेला भी होता है, और वो मेला जो है वो मार्च में शुरू होता है, मार्च के जो फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में, थर्ड वीक में एंड फोर्थ वीक में। और जो दिन होता है वो जुमेरात का दिन होता है। यहाँ पे बहुत सारे जायरीन जो होते हैं इसको, ये जगह लाजमी विज़िट करते हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि इस गर्म पानी के चश्मे में अगर वो नहा लेंगे तो उनको जितनी भी बीमारियाँ हैं और जितनी भी एलर्जी है उसका जो इलाज है वो हो जाता है, और लोगों की जो एलर्जी है वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे औरतों के लिए अलग जगह बनाई गई है नहाने के लिए, और मर्दों के लिए अलग जगह बनाई गई है नहाने के लिए। ये देख रहे होंगे ये एक पहाड़ी इलाका है, और यहाँ इस पहाड़ से गुजर के जो है ना हम दरबार तक पहुँचे हैं। और यहाँ के जो लोग हैं वो मोस्टली इन्होंने दुकानें बनाई हुई हैं, और ये छोटी छोटी दुकानें हैं। और अभी दुकानें 90% तक दुकानें जो है ना वो बंद थी, और बहुत कम ही लोग बैठे हुए थे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जो रश होता है वो मार्च के महीने में होता है, और वो बहुत से लोग जो हैं वो पाकिस्तान के डिफरेंट कोनों में वो लोग यहाँ आते हैं। ये देख रहे होंगे यहाँ के लोगों का जो है रहन सहन और गुजर बसर ज़्यादातर मकई का पौधा जो है ना वो काश्त करके होता है, और लोग जो है ना वो